दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और साधित नराई हनुमत से सरल सुख गई एक हनुमान चालीसा के साथ थोड़ी शुरुआत की है आप लोगों के बीच में। हमारी कुछ बहनें यहाँ पे बैठी है, उम्मीद कर रही है कुछ अच्छा हो। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास पे गया है और मुख्यमंत्री जी से ही मीटिंग करने के लिए, क्योंकि कल से ही डेलीगेशन के लिए बुलावा आ रहा था लेकिन नहीं गए थे, क्योंकि जो सीएमओ से मीटिंग नहीं करनी थी, हमें सीएम से मीटिंग करनी थी। इस तथ्यों के साथ बिल्कुल सियाराम जय राम, जय जय सियाराम। बालाजी महाराज की सभी की कृपा से यदि सभी प्रेयर कर रहे हैं, सभी के दिलों की धड़कने बढ़ी हुई है, बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हुई है, अलग अलग अलाव जला चुके हैं। आप सभी को सूचित कर रहा हूं, हमारा प्रतिनिधि मंडल 6 सदस्य प्रतिनिधि मंडल सीएमओ को गया है। और भाई साहब राकेश जी गढ़वाल, आपको पता है तथ्य रखने में और उनका कोई सानी नहीं है, और उनके जो मार्मिक अपील है शायद तक उससे गहलोत साहब को बात पहुंचे, जिनका डेलीगेशन का चुनाव किया गया था। दूसरा एडवोकेट साहब जो हमारी हर बार हमें मजबूती प्रदान की है, जावेद भाई साहब, वो गोविंद मीणा सभी जानते हैं, डेलीगेशन में काफ़ी बार गए हैं। और चौथा नाम था ईरा बोस का। ईरा को इसलिए भेजा है, वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि वो जो उस रात की जो घटना जो मुख्यमंत्री के साहब के सामने शिक्षा मंत्री ने रखने की कोशिश की है, और साथ में लोकेश जी शर्मा जो OSD, बिल्कुल अरविंद जी, मैं तारानगर से ही हूँ। तो चौथा जो नाम मैंने बताया ईरा का, तो उसका एक रीज़न ये था कि जो तक पहुंचाई जाए सही तरीके से, तो उनको चौथा नाम दिया। दो हमारी बहनें डेलीगेशन में गई है महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व करती हुई, पूरे लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए अलाव जल चुका है, और देखो हर तरीके से अलाव जलाने के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दो बहनें अभी भी टंकी पे काफ़ी आश्वासन देने के बाद में वो अंदर हुई है, तो दो बहनें टंकी पे है और अलग अलग तरीके जगह अलाव जलाने की कोशिश की जा रही है। एक भाई सूखा पेड़ है उसको काटने के लिए, ताकि सभी लोग, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी पहुंचे थे आप लोगों को पता है, और ठंड बहुत है, शीत लहर ज़्यादा चल रही है, अलाव जल चुका है, और कुछ बहनों के द्वारा भजन कीर्तन भी किया जा रहा है ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले, सरकार इस बात को समझे। और बहुत सारे भाई मेहनत कर रहे हैं, देखो लकड़ियाँ उठा के बहनों के लिए भी लेके जा रहे हैं, और जो भजन कीर्तन शुरू हो चुका है, क्योंकि दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी है सभी की। आपको दिखाता हूँ, हनुमानगढ़ गंगानगर वाले आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा राजस्थान आए, चाहे कोटा हो, और जिनका एग्ज़ाम सेंटर जयपुर है वो अभी निकले, जिनका एग्ज़ाम सेंटर जयपुर है वो आए। शुक्रिया नवदीप सिंह जी। और सबसे बड़ी बात है जो हमारी बहनों ने जो आज हिम्मत दिखाई है पूरे पुलिस प्रशासन के ख़िलाफ़, उनको धमकाया गया पुलिस के द्वारा, उनके घर वालों के द्वारा दबाव डाला गया, एक बहन के ससुराल से दबाव डाला गया, और आराम से हरकत ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलाव जलाने का जो काम चल रहा है पूरा पुलिस प्रशासन ज़रूर मुस्तैद है, और कोई भी सवाल है तो पूछे, और आप सब पहुँचे। एक अच्छी न्यूज़ यही है कि सीएमओ में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस बात को लेके, और बार बार वो कह रहे हैं कि डेट नहीं बढ़ा सकते,
अधिकारियों से हमने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि अधिकारियों से हम मीटिंग नहीं करेंगे, जो मीटिंग होगी वो अब सीएम साहब से होंगी। और विश्वविद्यालय परिषद का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ चैनल्स जैसे पॉलिटॉक्स जो न्यूज़ चैनल ने पूरी खबर दिखाई, डीपी के न्यूज़ ने पूरी खबर दिखाई। इसके अलावा पत्रिका का मैं आभारी हूँ, जी राजस्थान का आभारी हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। A1BL ने भी अच्छी न्यूज़ें लगाई हमारे लिए, मतलब उन सभी का हम आभारी है कि जो युवाओं के हितों में काम किया, बहनों के द्वारा एक अच्छा भजन कीर्तन किया जा रहा है। मैं सभी से अपील करूँगा कि आप भी घर में जहाँ भी है प्रेयर करें कि हमारे जो बहनों ने हिम्मत दिखाई है उन हिम्मत एक सफलता के राह पे चले। और आप सभी को जैसे ही डेलीगेशन से कोई न्यूज आती है, जो भी बात आती है, बाबा जी यहीं रुक रहे थे, उनकी सेहत थोड़ी सी डाउन थी, तो जो बहनें थी उन्होंने ही बाबा ने उनके लिए एक पत्र भी भेजा था, उनसे अपील भी की थी बाबा ने कि आप इस प्रकार से मेरा आंदोलन है, जिस प्रकार से मेरी सेवा है, तो उन बहनों के आग्रह पे ही बाबा घर गए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और उन बहनों ने कहा कि मेरे भाई है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूँगी या मैसेज पहुँचाऊँगी। हाँ, डेलीगेशन हमारा एक ही मुद्दे पे बात करने के लिए गया है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेके। और शुक्रिया जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग जयपुर पहुँचे ताकि कल एक अंतिम हमारा, वैसे उम्मीद करते हैं हमें कल का दिन पूरे न्यू ईयर का गिफ्ट आज ही मिल जाए सीएम साहब से, लेकिन अगर कुछ वार्ता में टाइम लगेगा तो आप सब पहुँचे सुबह ज़्यादा से ज़्यादा। पूरी उम्मीद है कि हम इसमें विजय श्री हासिल कर लेंगे। आप सभी लोगों को लाइव अपडेट यही है, सीएमओ में हमारा डेलीगेशन गया है सीएमआर में। शुक्रिया, उन बहनों के लिए भी प्रेयर करें क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में टेम्परेचर देखो हमारे भाई बंधुओं ने अलाव जला रखा है। और रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट जी पहुंचे, सभी पहुंचे, क्या पता कोई अनहोनी कोई बात भी हो, प्रशासन पूरा मुस्तैद है छोटी मोटी बातों के लिए। आप सभी लोग लाइव ही रहना, लाइव की बात नहीं है सर, यहाँ पे पूरा मामला भी देखना पड़ता है। और हमारे सहयोगी हेमराज जी भी यहाँ पे है, बहुत सारा उन्होंने भी मेहनत की है। रमेश जी कुछ बोलोगे आप लाइव करूँ? बोल दो। प्रेम शंकर जी बोलिए सर, कोटा से आए हैं आप, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं लाइव आप? बस यही है कि ये डेट बढ़नी चाहिए, सभी लोगों की मांग यही है कि ये डेट, लेकिन थोड़ा सा आड़ा हुआ है, देखते हैं अब सीएम साहब के पास डेलीगेशन गया है, देखते हैं क्या होता है। यानी सर ने बोला है डेट बढ़नी चाहिए, सभी आवाम की यही आवाज़ है और उसी बीच में हमारी भी यही आवाज़ है कि डेट बढ़नी चाहिए, डेलीगेशन गया है। अच्छा, आपका भाई भी है, शुक्रिया। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, कोशिश करते हैं। एक और मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, जो बहन ऊपर है उनके हस्बैंड भी हमारे साथ है, उन्होंने भी हमें पूरा प्रोटेक्शन दिया है, पूरा साथ दिया है। एक बार मैं उनसे भी मुलाकात कराता हूँ आपको, झांसी की रानी के। एक सेकेंड, ऊपर अपन बैठेंगे, हमारे साथ जो बहन ऊपर है उनके फूफा जी भी है, ठीक है ना भैया? एक बार सभी इनको प्रणाम करें। उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं के आशीर्वाद से, आपको लगभग 1000 लोग देख रहे हैं सर, प्रेस नोट आएगा उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये सरकार कुछ भी सुन नहीं रही आप लोगों की, तो देखते हैं डेलीगेशन गया है क्या रिजल्ट आता है, कुछ होता है पॉजिटिव तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो ये चाहते हैं, बाकी टाइम बहुत हो गया, इसलिए घर वालों की भी सबके टेंशन है, तुम लोगों की भी घर वालों की टेंशन है सबके। हमारा तो कहना है कि तुम्हारा सबका काम है,
अगर काम और सरकार करे जब हो। शुक्रिया सर। ये थे अपनी बहन के फूंपा जी, और एक और भाई साहब से आपकी मुलाकात करूं। दो मिनट आओ, दो मिनट आइए। अरे कुछ नहीं बोलूंगा। ये वो भाई है, ये हमारे बहन के हस्बैंड है, आप सभी को पता है। इन्हीं की हिम्मत की प्रेरणा स्रोत की वजह से ही आज वो बहन हमारे बीच में है और हमारी हिम्मत बनी हुई है। जी, जो भी बात है मैं रखने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। शुक्रिया, शुक्रिया सभी लोग।